देखो हमें मिलने के लिए कौन आया है। बिग गाय वेलकम टू पुणे भाई। जागापुरली का पार्टी बसलो साहिल। हेलो भाई। हम तो खूब बोल रहे कितना बात कर तुम इंस्टा पे। फाइनली मिल रहे भाई। तुम मिले नहीं हो ना। ह्यूज पूरी गाड़ी हिल रही है उतर के। बस में फिट नहीं हो रहा था ये। ऐसे ऐसे निकलना पड़ रहा सब कोने में। सब यही बोलते हैं सोसाइटी बहुत पीसफुल है। सांस लेने मजा आ रहा है। सांस लेने अब वार्निंग आएगी। ओवरलोड तुझे सेपरेटली आना पड़ेगा। वेट कितना है अभी? 88। वाओ ब्रो दिस feels very nostalgic watching it on your video. So ghar bagay to me and feeling it in real life. The first time when I came na bhai, mere ko lag raha ki main first time nahi aa raha tha. Bro, hai na? Waise hi feel hota hai bro. Bro, this feels crazy. This feels crazy. Shit, bhai, ye yahan pe khada hota tha aur aise aur piche se sab dikhta tha. Hello, kaka. Come on, best friend. Kaisa? This is the anabolic view. जो साकेत अपने हर व्लॉग में दिखाता है। सो प्री वर्कआउट मील के लिए कुछ बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल। मैं बस वार्निंग दे रहा हूँ, टेस्ट का पता नहीं है। पर 100 ग्राम 78 ग्राम ऑफ कार्ब्स मिलेंगे। ब्रो दैट्स मोर देन एक्चुअल कुक्ड राइस। 10 मिनट में डाइजेस्ट होता है। लेट्स सी ब्रो, लेट्स सी। एनाबॉलिक गेन्स। अच्छा वेट आ गया था। वेट आ गया था। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का सब खाया था। डाइजेस्ट हो ही रहा। हाफ ऑफ हाफ आवर्स खा लो भाई। जहां इतना जास्ता होना तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैं जब भी लोगों के साथ ट्रेन करता हूँ मुझे उनकी ट्रेनिंग की स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तूने ट्रेनिंग कब स्टार्ट की और क्यों स्टार्ट की? ये थोड़ा डीप फनी सीन है। जब मैंने स्टार्ट किया अपना ट्रेनिंग जर्नी, वो मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरी मॉम ने मुझे फोर्सफुली स्टार्ट करवाया। मैं जो एरिया में रहता हूँ वहाँ के आसपास के बच्चे सारे जिम जाते थे और उनको देख के मेरी मॉम बोलती थी कि तू, क्योंकि मैं जिस एज में था ना, आई वॉज़ लाइक 15 एंड आई डिड नॉट लुक लाइक आई वॉज 15। मैं 11-12 साल का बच्चा लगता था। मैं इतना पतला था और इतना हाइट में कम था। तो मॉम बोलती थी तू भी जिम जा, आई डोंट वॉन्ट कि तुझे भी लोग नाम रखे। क्योंकि हम लोग कभी फैमिली फंक्शंस में जाते थे तो लोग बोलते थे कि मॉम डैड इतने हेल्दी दिखते हैं और तू इतना पतला है। मतलब फैमिली रिलेटिव्स भी जो अपने पास है, जो पास के रिलेटिव्स हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता था सुनने में मुझे भी। तो आई डिसाइडेड टू चेंज माई सेल्फ। लेकिन कभी वो अंदर से हिम्मत नहीं हुआ कि मुझे जिम ज्वाइन करना, क्योंकि जब वो टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। वो टाइम पे एक कैसे बोल सकते हैं, मेंटेलिटी ये थी कि तुम जिम जाओगे ना तुम्हारी बॉडी पेन करती है, तुम एक हफ्ता जाओगे फिर जिम नहीं जाओगे, उसके बाद जिम जाने के बाद ऐसा होता है वैसा होता है, हाइट रुक जाती है। अ कॉमन मिसकंसेप्शन, हाइट रुक जाती है। तो मैं जिम जाने डरता था। तो मेरी मम्मी ने कहा तू जा अभी बेटा, ज़बरदस्ती भेजा, तू जा, तुझे जाना है मतलब जाना है, अगर तुझे ऐसे नहीं होता तो छोड़ देना। मैं गया, एक हफ्ता गया, आई रियली लव्ड इट ब्रो। एक हफ्ता जाने के बाद मैंने एक महीने तक कंटिन्यू किया। स्टार्टिंग में लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरी बॉडी पेन कर रही थी, ऑब्वियसली वो सबकी करती है। एक महीना तक मैंने कंटिन्यू किया। एक महीना होते होते 3 महीने हुए, मेरे सारे दोस्त जो मेरे साथ आते थे वो स्टार्टिंग के डेज में मुझे बोलते थे, तभी सूर्य नमस्कार बहुत फेमस था लोकल जिम्स में, तो मुझे बोलते थे भाई तू 10 सूर्य नमस्कार भी नहीं मार पाता, तू जिम मत आया कर, तू कुछ खा पी ले, जिम मत आया कर, तेरी हड्डियाँ कमज़ोर है ये वो। तो वो चीज़ थोड़ी सी हर्ट करी और मेरा ईगो हर्ट हुआ उस चीज़ में। और मुझे ऐसा था कि अब मुझे करना ही है भाई, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ करना है और ये चीज़ में बहुत आगे जाना है। 3 महीने हुए, धीरे धीरे जो दोस्त मेरे साथ में आते थे वो लोग ने जिम छोड़ना चालू किया क्योंकि वो लोग से नहीं हो पाया। वो लोग ने जिम छोड़ा एंड आई केप कंटिन्यूइंग। और अभी 8 साल हो गए मुझे करते करते हुए। अब वही लोग जो मुझे बोलते थे ना, अब मुझसे टिप्स मांगते, भाई आपने कैसे किया, क्या खाते हो, कैसे किया, बिग इंस्पिरेशन सब कुछ। अब मुझे 3 साल हो गए थे जिम करते हुए, फैमिली फंक्शंस में जाना चालू हुआ, मैं 4 साल हुए फैमिली फंक्शन में जाता था। अब वही लोग जो मुझे बोलते थे कि तू 17-18 साल में भी तू अभी भी स्कूल में लगता है कि तू 7वीं-8वीं का बच्चा है, अब वही लोग अपनी बेटी का रिश्ता लेके आते हैं, बोलते मेरी बेटी भी सेम एज की है, इसीलिए बोला ये फनी सीन है। और ये एक्चुअल में हुआ है ब्रो, मेरी बेटी भी सेम एज की है, आपके बाप का बेटा भी सेम एज का है, ऐसा वैसा तो रिश्ते लेके आते हो। तो भाई मैं सोचता हूँ कि
पर्सनैलिटी मैटर्स, खुद पे ध्यान दो, जब तक तुम खुद कुछ नहीं बनोगे ना सोसाइटी तुम्हें घंटा भाव नहीं देगी, कुछ बन के दिखाओ सोसाइटी अपने आप रिस्पेक्ट करेगी ब्रो, यही चीज़ है बस। ये इतना इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्या बोल सकते हैं। थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड टाइम भी था, लेकिन ओवर द टाइम फनी भी है, क्योंकि वो चीज़ जैसे मैं ट्रांसफॉर्म हुआ ना, वो करेक्ट पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग मी, सो अब फनी लगता है, अब फनी लगता है वो चीज़ जब मैं सोचता हूँ ना, मुझे हंसी आती है कि भाई यही लोग मेरा नाम खराब करते थे, टॉन्ट मारते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही लोग आज मेरे मॉम डैड को बोलते हैं आपका बेटा क्या लगता है, हम उसके फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, आपके बेटे ने जो किया है ना, हम हमारे बच्चे को बोलते हैं कि जब बनना है तो मीर जैसा बन, उनको कितना प्राउड लगता होगा, उनको कितना प्राउड फील होता होगा। इसीलिए मुझे लोगों के स्टोरीज सुनना पसंद है, सबकी अलग स्टोरीज होती है, सबकी स्टोरी होती है, हाँ, और हर किसी के स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। ब्यूटीफुल, यहाँ पर हमने बनाई है ब्लैक कॉफी, इसके अंदर हम डालेंगे एक स्कूप सिट्रिलिन, या थोड़ा सा ज्यादा डालना है, थोड़ा सा ज्यादा पंप के लिए, पंप के लिए, बहुत ही ज्यादा खट्टा है एक्सपेक्टेशन से ब्रो, ये एक्चुअली खट्टा इतना नहीं है, नेस्कैफे से बहुत सारा है, नेस्कैफे कॉफी के साथ और खट्टा लगता है ये। जरूरी है, अभी से ट्राई करूंगा, अभी से ट्राई करूंगा। तू नहीं करता वो, तू पॉडी वर्कआउट से जस्ट कोड लागले और कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही अंडररेटेड चीज है, मैं तो सुबह करता हूं, सुबह उठ के करता हूँ, सुबह ठीक है, बट वर्कआउट के पहले करना चाहिए, वापस नहीं आती ना, एक ही बार नहीं आती, मतलब फाइबर्स, लॉस ऑफ फाइबर्स, डाइट में फाइबर डालने पड़ेंगे तुझे, क्यूकुंबर, अवधूत, अवधूत का कट मस्त चल रहा है, साहिल प्री लेगा, शूट करने के पहले, गाइस भाई मिहिर पिछले आधे घंटे से बाथरूम में है, मिहिर झाला का, यूजुअली जब मैं शेकर के अंदर अपना प्री वर्कआउट का ड्रिंक बनाता हूँ, मैं उसके अंदर प्री वर्कआउट के साथ साथ सिट्रलिन भी डालता हूँ, पर मैं उससे नोटिस करता हूँ कि सिट्रलिन वर्कआउट के हाफवे पॉइंट में हिटन होना चालू होता है, तो तू यूजुअली वर्कआउट के पहले क्या करता है उस रिचुअल के बारे में थोड़ा सा। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं प्री वर्कआउट और सिट्रलिन को अलग अलग लेता हूँ, प्री वर्कआउट का डाइजेस्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है, इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स आई गेस, सिट्रलिन को डाइजेस्ट होने में 30 मिनट्स लग जाता है, तो व्हाट आई डू इज कैफीन, नेस्कैफे का पैकेट आता है 2 रुपए वाला, व्हाट आई डू इज उसको और सिट्रोलिन मेलेट को मिक्स करके वर्कआउट के आधे घंटे पहले लेता हूँ, उससे क्या होता है कैफीन को लगता है 20 मिनट डाइजेस्ट होने के लिए, सिट्रोलिन को लगता है 30 मिनट्स, ये दोनों को कंबाइन करके जब मैं लेता हूँ तो सिट्रोलिन क्या करता है, व्हाट इज सिट्रोलिन बेसिकली, इट्स अ नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करता है बॉडी में, वो बॉडी में जाके फर्दर कन्वर्ट होता है एलआरजी9 में, एलआरजी9 भी वैस्कुलराइजेशन में हेल्प करता है आपको, अब क्या करता है सिट्रोलिन मैलेट जब बॉडी में जाता है ना तो एलआरजी9 से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्यों, क्योंकि वो फर्दर कन्वर्ट होता है एलआरजी9 में, तो वो दोनों को इफेक्ट मिलता है आपको, करेक्ट। आधे घंटे पहले जिम में लेने से, जिम से जाने से पहले लेने से क्या होता है ना, आपको वो पंप जिम जाते जाते मिल जाता है, एग्जैक्टली राइट, वो मुझे नोटिस नहीं होता पहले, तो वो आधे घंटे पहले आप जब लोगे वो हो गया डाइजेस्ट, तब तक आप कपड़े वगैरह पहनो जो भी करते हो, उसके बाद 10 मिनट पहले निकलने से पहले प्री वर्कआउट ले लो, 10 मिनट पहले भी मत लो, जिम जाने के तुरंत पहले लो, जिम जाते जाते 5-10 मिनट तो हो ही जाता है, जिम जाते जाते वो हिट करेगा, तो आपको सिट्रोलिन और प्री ये दोनों चीज हिट करेगी, सिट्रोलिन पंप देगा, प्री वर्कआउट किक देगा, तो आई एम गेसिंग फर्स्ट सेट लगाते वक्त सब कुछ किक इन हो जाएगा, फर्स्ट सेट ही नहीं मैं तो बोलता हूँ वार्म अप के टाइम ही सब कुछ किक होने लग जाता है, तो ये बेस्ट टाइमिंग है, यस, क्योंकि 10 मिनट पहले प्री लेने से प्री हिट होता है, हाँ, पर सिट्रोलिन पंप आने में बहुत टाइम लगता है, सिट्रोलिन पंप आने में बहुत टाइम लगता है, यही तो प्रॉब्लम है। आज हमने कितना 11:30 को सिट्रोलिन लिया कॉफी के साथ, उसको आधा घंटा हो गया, अब हम प्री लेंगे और फिर जाके चेस्ट को तोड़ेंगे, अब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला से पंप कैसे मिलता है, एंड इट्स स्मार्ट, लॉजिकल है, साइंटिफिक है, पंप भी नहीं हुआ है अभी तक, कॉफी एंड सिट्रोलिन। मसल प्लेस का नया प्री वर्कआउट क्रिया एक्सट्रीम अब लाइव हो चुका है, 200 mg कैफीन, 3 ग्राम सिट्रोलिन और 3 ग्राम क्रिएटिन, इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यूजुअली हम ऐसे बैग्स डिक्की में नहीं रखते, पर मिहिर इतना ह्यूज है कि हमें कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे गाड़ी के ऊपर बैठना पड़ेगा, रेडी, Let's go, man. Hi, good afternoon. Great, great. Thank you. Welcome. Wow. Thank Welcome. Wow. Bro, ये क्या मिरर है? Shit. एक सेकंड. Bro, यहाँ पे रेसलिंग हो सकती है.
सो मैं 6 सालों के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं जब भी एक ऐसे बंदे के साथ ट्रेन करता हूँ जिसके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, आई यूजुअली एंड अप टेकिंग अ बैक सीट। यस, मेरे कुछ ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स 6 सालों के ट्रेनिंग में फॉर्म हुआ है, बट दैट डजेंट मीन कि मुझे ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ पता है। तो मैं सीखने के लिए हमेशा ओपन रहता हूँ। एग्जैक्टली। और तू 8 सालों के लिए ट्रेन कर रहा है, सो मुझे आज तेरे से सब कुछ सीखना है, वो मेरा गोल होगा। तेरे जो भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स है, तेरी जो भी ट्रेनिंग स्टाइल है, वो सब कुछ तू मुझे आज सिखाएगा। कोई फैंसी मूवमेंट नहीं होगी, कोई फैंसी वर्कआउट नहीं होगा, जो मैं 8 साल से करते आ रहा हूँ, yes. आज वही वर्कआउट करेंगे। सो एक बेसिक ओवरव्यू कि तेरा चेस्ट डे कैसे दिखता है। सो माई चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट्स विद इंक्लाइन बेंच, डंबल प्रेस, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि इंक्लाइन को ट्रेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन योर डिक्लाइन और मिडल चेस्ट। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होता कि तुम्हें चेस्ट हर एंगल से ट्रेन करनी है, क्योंकि जब तुम कोई भी मूवमेंट लगाते हो ना, चेस्ट ओवरऑल ट्रेन हो जाता है, पूरा वर्क होता है। हाँ, राइट। तो आप 5 सेट लेंगे, 2 वार्म अप सेट, 3 वर्किंग सेट्स, उसके बाद केबल फ्लाइज लेंगे, एंड देन तूने जैसा बताया कि एक नई मशीन है, अपन वो करेंगे साथ में, फ्लैट हैमर एंड प्रेस चलेगा। टोटल 3 वेरिएशंस, ओके, ऑल इन करेंगे पूरा, और एकदम इंटेंसिटी के साथ हैवी वेट। सो हर एक्सरसाइज के 3 वर्किंग सेट्स, परफेक्ट है ना। 2 वार्म करेंगे जिससे ब्लड सर्कुलेशन और स्टार्टिंग में बॉडी को मूवमेंट को एक ये मिल जाए, पर 3 मेन वर्किंग सेट्स, यस, आफ्टर द वार्म अप, परफेक्ट। इंक्लाइन के साथ शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट मैन, लेट्स गो। सो मिहिर की ट्रेनिंग स्टाइल थोड़ी सी अलग है। मैं यूजुअली अपना फर्स्ट सेट सबसे हैवी लेता हूं, पर मिहिर पिरामिड अप करता है धीरे धीरे। गो फॉर 10 रेप्स, 8 to 10, अप, इजी, मेक इट लुक इजी। 1, कम ऑन, 2 3 4 5, कम ऑन, 6, इजी, 7 8 9, वन मोर, enough, इजी। तुझे लास्ट 2 में पुश करना है, पूरा लास्ट 2 में पूरा पुश करना है, इजी। Easy, crazy explosiveness, यार, lightweight, explosive, let's go. Yeah, oof, come on, make it look easy, let's go, up, let's go, all yours, 1 2 3 4 5, let's go, 6, up, two more, you got this man, 7, up, one more, breathe, up, push, enough, good job, Mihir, serious ho jaye, let's go, tight, 2, easy yaar, 3 4 5 6 7 8, easy yaar Mihir, easy, your goal should be, abhi 37.5 se kitna rep gaya, 7 7, hum next session mein 8 rep jane chahiye, bro jane chahiye, hai na, yeah, har session mein goal rakh, aisa nahi goal ye nahi rakhna chahiye ki dekho isse zyada weight marna hai, rep kitne gaye, 7, next 8 time 8 tak nahi gaye, push yourself, चैलेंज योरसेल्फ, यस, आर्ट मारना है मतलब मारना है, पर यही मैंने रियलाइज किया कि बहुत आगे जाना है ब्रो, बहुत आगे जाना है, बहुत पोटेंशियल बहुत है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बहुत है। तुझे लगता है कि तू अपने पीक फिजिक के करीब है? नहीं नहीं, नॉट इवन क्लोज, नो, आई फील आई हैव गॉट मच इनसाइड मी, और कर सकता हूँ मैं, राइट, या, सो नेक्स्ट सेट 40 40, लेट्स गो, कम ऑन, इजी ब्रो, you got this, lift off lage na, chal, come on, up, easy, make it look easy, theek hai, yeah, let's go, breathe, up, 1 up 2 6, easier, up, 3 more 4 up 2 more
5, up, one more, you got this, last one, check, up, push, easy, yep. enough, let go. Okay. Now you're changing your potential. Yeah. Now you're changing your potential. I didn't think I would get that. Hai na? Gaya. Lightheaded bro, maza aa raha hai. But I really thought you will go for 45. Next time, pakka. Abhi to start hua hai na bulk. Next chest day, main tujhe text karunga. Pakka. Ye 7 ke liye jayega. 35 weight ke liye jayega. Pakka. Theek hai? I believe in you. Yes. Aur jana chahiye bro. Tu kitna lega? I will go for 55. Fuck. Let's go. Let's मुझे ये witness करना last है. Last set है ना वैसे भी. ये witness करना है मुझे. 55. इतने अच्छे से रखा है वहाँ पे. कोई हाथ ही नहीं लगा था. I think Mihir is पूरे gym का biggest lifter है. सही में? Evolve ने ऐसा lifter नहीं देखा है bro. Oh. तूने सबके reactions देखे. Thanks man. अब ये इसीलिए ताकि मैं अपनी energy waste ना करूँ. ठीक है, लेट्स गो, दिस इज इट मिहिर, लेट्स गो, वेटिंग फॉर ड्रॉप, यप, लेट्स गो, अप, टाइट, लेट्स गो. Come on. Up. Easy. Let's go. Up. 2. 3. Come on. 4. Push. Almost there. Not done yet. Up. More. Push. Azunek. Done. Sick. Bhai. What a set, bro. Thanks, man. I guess, मैं लाइफ में पहली बार दूसरी बार कर रहा हूँ ये टाइम पे वर्कआउट. इस टाइम पे टाइम में दबकने वाला. हाँ, शाम को कैसा मील्स रहते हैं ना पेट में. हाँ, इट्स इजी, राइट? इसकी ये टाइम पे परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ बेहतर रहती है. एग्जैक्टली. हाँ, यू विल ऑलवेज परफॉर्म गुड इन द इवनिंग व्हेन यू हैविंग एटलीस्ट 2-3 मील्स. करेक्ट. कार्ब्स. एग्जैक्टली. हाँ, मेक सेंस. पर 100 ml 40 calories है लगभग. Yes. Times 5, so 200. Yes. Best intra workout bro. So I guess हमारी main heavy pressing movement हो गई है. तो अब plan क्या है? तूने जैसे कहा कि ये मशीन लेते हैं, it's the same movement, press ही करना है इसमें भी. तो उससे better isolation movement करते हैं, जिससे ज़्यादा better pump आएगा. So तू कह रहा है cable flies and back deck. फिर back deck. Done. Best. जो तू usually करता है, वो मुझे करना है. Done. So तेरा ये opinion है कि एक pressing movement enough है, right? Perfect. Enough. थोड़े से शोल्डर स्पाइडर रिट्रैक्ट कर. हाँ, चेस्ट अप थोड़ी अजून. हो, यस. यस, गुड जॉब. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, easy. 7, 8, easy. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, easy. Oh my god. अब मजा आ रहा है. चल बॉश. फील एवरी रेप. चल. Pull.
Yes. Till failure. Bro, yaad pan tu kami kar do weight. हाँ यार पण तू वेट कमी करतो हो जास्त करू का तू सांगशील ते ब्रो लेट्स गो ब्रो या परफेक्ट वन क्लास टू थ्री फोर इजी फाइव लेट्स गो सिक्स लेट्स गो सेवन कम ऑन मोर More. Let's go. Come on. Push. One more. Enough. Good set. Thank you. Let's go. तू तीन साले ना? तीन साले. आजू ने give you answer. Four sets? Yes. Class. नया तरीका है train करने का. Let's go. 26. Oh shit. Let's go. Class. Must contract हो रहा है bro. चल. Come on. Not done yet. Push. Dahil. Class. Tank, bro. One tank. More. One more, sir. Me increase karta hai. You are not done yet. Me increase karta. Yes. I could roll you 2 days, man. Huh? No. Yes. Cardoon on and on. पुढे गेला ना स्पॉट देऊ का नाही होईल आय थिंक पक्का 10 रन जा ब्रो इजी मॅन गिव इट ऑन वन टू थ्री बोल फोर फाइव सिक्स चल ब्रो सेवन पुल कर एट यू आर स्ट्रॉंगर दॅन दिस वन मोर अजून एक घे सो जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया सब लोग पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ये कहती थी कि मसल को हमेशा ट्वाइस अ वीक ट्रेन करना चाहिए पर मैंने पिछले एक साल में नोटिस किया है जैसे मेरा साइज बढ़ा है पुश पुल लेग स्प्लिट से मुझे रिकवरी नहीं मिलती जो मसल मैं मंडे को ट्रेन करता हूँ उसे रिकवर और रेस्ट करने के लिए कम से कम 3-4 दिन लगते हैं तो तू हर मसल ग्रुप को हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करता है उसका रीजन और उसका लॉजिक एग्जैक्टली क्या है उसका लॉजिक ये है ब्रो नेचुरल एथलीट्स के लिए अगर जब तुम एक मसल प्रॉपर फुल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे हो यू गेट 7 days ऑफ रेस्ट 6 दिन एक्स्ट्रा मिलते तुम्हें उस वर्कआउट के बाद तो नेक्स्ट वीक जब तुम वो फिर से मसल टारगेट करते हो ना यू गो फॉर एट 100% ओके तुम पूरा अपना फुल पोटेंशियल देते हो उसको राइट और जो उसको रेस्ट पीरियड मिलता है ना पूरे वीक का उसमें मसल रिकवर है ना पूरा 100% कंप्लीट होता है कभी कभी क्या होता है ना मोस्ट ऑफ द पीपल गलती ये करते हैं कि एक मसल को 2 बार वीक में ट्रेन करते हैं और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते राइट डाइट प्रॉपर नहीं होती राइट अब दूसरी बार मसल ट्रेन करने पे मसल उनका रिकवर होने के बदले और लॉस हो जाता है और डैमेज होता है तो वो और डैमेज होने वाले मसल्स को रिकवर होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता करेक्ट ओवर द टाइम तुम हफ्ते में दो बार ट्रेन कर रहे हो उसके बाद टाइम कहाँ मिल रहा है तुम्हें रिकवर करने के लिए करेक्ट बस ये तो तू ये कह रहा है कि तेरे डे वन ऑफ लिफ्टिंग से जब तू स्किनी किड था तब से आज तक तू मसल ग्रुप को वंस अ वीक ट्रेन करते आ रहा है मैंने कभी अपनी स्प्लिट चेंज नहीं की टू बी वेरी ऑनेस्ट ओके ना कभी पुश पुल लेग किया बीच में उसका क्रेज चल रहा था ना कभी डबल मसल किया क्योंकि मुझे पता है अगर इस चीज से मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो मैं स्प्लिट क्यों करूं मैं अपना स्प्लिट जो है वो चेंज क्यों करूं तो मैं हमेशा मैंने पर मसल ग्रुप ही ट्रेन किया हफ्ते में एक ही बार ट्रेन किया तो एक मसल पकड़ता है yes. उस दिन पे अच्छे से डिस्ट्रॉय करता उस दिन पे एक दिन मुझे इतना पता होता है कि आज मेरा चेस्ट है
आई वॉन्ट टू गिव 100% और मेरा नेक्स्ट वीक में जो होगा मुझे फिर से 100% देना है उस चीज़ को. ऐसा नहीं कि ये वीक में मैं दो बार मारूँ तो मेरे दिमाग में ये रहेगा अगर मैं मंडे को चेस्ट कर रहा हूँ होल्ड बैक कर भाई. हाँ भाई थर्सडे को फिर से मारने वाला हूँ तो अभी इतना हार्ड ट्रेनिंग क्यों करूँ. अभी थोड़ा लाइट जाता हूँ थर्सडे को हैवी वेट जाऊंगा तो थर्सडे को ऐसा फील होता है भाई मंडे को कर लिया यार अभी इतना पुश नहीं हो रहा है फटीक है राइट तो अब थर्सडे को भी नहीं कर पाते. इस चक्कर में क्या होता है तुम अपना मसल कभी अच्छे से ट्रेन ही नहीं कर पाते हो. आई फील लाइक ये बात बहुत सच है. yes. मैं भी नोटिस करता हूँ क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर मुझे पता है दो तीन दिनों के बाद वापस टेस्ट आ रहा है आई विल होल्ड बैक अ लिटिल. एग्जैक्टली ये पूरा मेंटल गेम है ब्रो. राइट अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें हफ्ते में दो बार मसल ट्रेन करना है उस एक काम करो तुम थोड़ी सी अपनी स्प्लिट चेंज करो जो हफ्ते में दो बार कर रहे हैं एक बार करके देखो 100% दो और रिजल्ट देखो क्या आता है. मुझे लाइक ट्राई करना है ये. Exactly. काफी टाइम से मैं क्यूरियस था. हाँ. और हमारे दिल्ली ट्रिप में और व्हाट्सएप चैट से तूने ये भी बताया था कि तू ट्राइसेप्स और बाइसेप्स अलग अलग ट्रेन करता है. अलग अलग ट्रेन. सेम लॉजिक. इट्स बिकॉज़ ट्राइसेप्स और बाइसेप्स आर टोटल अपोजिट मूवमेंट. आप बाइसेप में पुल करते हो ट्राइसेप में पुश करते हो. इट सेम गोज विद मैं अपने क्वाड्स और हैम्स भी अलग अलग ट्रेन करता हूँ. okay. अब दोनों की अपोजिट मूवमेंट. अब आप चेस्ट और बैक साथ में क्यों नहीं करते. सेम लॉजिक. चेस्ट हो गया पुश हो गया बैक पुल हो गया साथ में क्यों नहीं करते हो. ऑब्वियसली क्योंकि अपोजिट मूवमेंट है. अब चेस्ट कर रहे हो और उसके बाद बैक कर रहे हो आपको मजा नहीं आएगा. राइट पूरा डिफरेंट मूवमेंट हो जाएगा. सेम गोज टू बाइसेप एंड ट्राइसेप. बहुत लोग करते हैं हम साथ में बाइसेप ट्राइसेप लेकिन वो उनका पर्सनल चॉइस है. right. अगर उनको ग्रोथ दिख रही है तो कोई अच्छी बात है लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आप अलग ट्रेन करते हो ना तो ज्यादा बेटर फोकस दे पाते हो. ये मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा. यस क्योंकि मैं क्यूरियस हूं. सो तू चेस्ट बैक शोल्डर्स बाइसेप ट्राइसेप क्वाड हैमस्ट्रिंग सारे अलग अलग करता हूं. सारे अलग करता हूं. वेरी इंटरेस्टिंग. या मैं ट्राई करूंगा. ट्राई इट आउट. यस माय गॉड हाउ हेलो जस्ट फॉर द मूवमेंट नंतर तुझा हैवी घ्यायचं पूर्ण. आज फुल स्ट्रेक मारायचं तुला. 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइव घे अजून. 1 ब्रीथ कर ब्रीथ कर. यस 3 2 1 इजी मॅन. 15 यस. हा सर काउंट होतो ना. हा सर काउंट होतो. तुला 5 घेतो तर 5 घेऊ शकतो आपण. तू सांगशील ते ब्रो. क्लास चल. 2 3 4 ब्रीथ कर. अजून एक घे. चल परफेक्ट. आता यानंतर दोन सेट एकदम इंटेन्स असणार. यस इजी इजी लवली. लोगो तुझे देखना नहीं है मैंने कितना वेट डाला है. ठीक है लेट्स गो. 10 रेप्स पुल. या नहीं कमी कर. इजी जाएगा जाना मारना तू. 1 कम ऑन. 2 इजी किच. 3 कम ऑन. 4 5 पुल कर. चल 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 चल. 6 चल पुल. 7 2 more. 1 more. चल अजून एक गे. एक और लास्ट. कम ऑन पुल. ब्रो जो तेरे चेस्ट फाइबर्स दिख रहे थे ना पहले मारा था लग ब्रो, कभी नहीं. क्या बात कर रहा है. मैक्स मैं मे बी 75 तक गया ऊपर. शिट ब्रो. फुल स्टैक. Let's go. 2
थ्री लेट्स गो फोर जाना रे चल 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 मला स्वतः चॅलेंज करायला आवडतं किती हॅवी असू दिसते मला असं आहे की मी ते नाही मारलं ना माझा इगो हर्ट होतो लेकिन एक चीज पे ध्यान रखना ये देखोगे तो इसका मतलब ये नहीं हैवी जाना ये कैसे भी करके फॉर्म पे ध्यान देना अगर आप फॉर्म के बाहर जाके मार रहे हो तो इंजरी हो सकती है अब मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है तुझे कभी कोई इंजरी हुई है मेरे को मेनली लेफ्ट शोल्डर इंजरी होती है लोअर बैक इंजरी होती है बीच बीच में थोड़ा बहुत ट्रिगर होते रहता है तुझे कभी हुई है ना शोल्डर और लोअर बैक सेम सेम ना सेम मेरा इंग्लैंड के टाइम होता है हमेशा थोड़ा बहुत मेरा बारबेल बेंच लगाते वक्त बहुत दुखता है डंबल्स में फ्री रहता है ना हाँ डंबल्स में से फ्री मूवमेंट जब मैं हैवी जाता हूँ ना एकदम तब थोड़ा सा बस एक टिंगिंग सेंसेशन आता है राइट लेकिन बारबेल में जैसे तूने बोला उसमें तो आता ही लॉक्ड रहता है ना शोल्डर कंफर्टेबल नहीं लगता मैं बारबेल प्रेफर नहीं करता गिव इट यू ऑल लास्ट सेट बेस्ट सेट हेल्प लेट्स गो पुल Shoo, self five bro. Three, too easy. Four, pull. One more. Pull. Enough. Challenge ये जो chest soreness होगी ना bro. Challenge वाला factor है यहाँ पर इसमें. है ना? खुद को push करना. क्योंकि ये मेरे capacity में नहीं है ना. मैं उसके बाहर गया हूँ. अभी next time जब तू करेगा ना तेरी body already used to रहेगी इस चीज को. Even तो तूने help किया. ये मेरे capacity के बाहर. Exactly. अब ये क्या होगा ना? दो तीन हफ्ते तू करेगा ना सेम वेट तेरी बॉडी यूज्ड हो जाएगी राइट उसके बाद तेरा ये मेन सेट हो जाएगा राइट इसके बाद तू और पुश करेगा वहां पहुंचना दैट्स हाउ यू बिल्ड योर मसल वहां पहुंचना है लास्ट सेट कम ऑन फुल ऑल इन हैं ऑल इन ओरल नहीं ये फोकस माइंडसेट कम ऑन बॉय लेट्स गो यस Two, let's go. Up. Three. Explore. Four. Enough. Class, bro. I guess I will go one more set, bro. One more set? मुझे वो satisfaction मिला नहीं है. Machine का करना है? कर सकते. चल. है ना? Try कर ले, bro. Done. सही machine है. तो इसको last variation रखते फिर. है ना? Three sets, let's go. Enough. क्योंकि, क्यों पता है? इसके बाद 6 दिन मिलने वाले हैं. हाँ. Recover करने के लिए. Yes. वरना मैं नहीं करता ना, bro. मैं रोक देता वर्कआउट फ्लाइज के बाद ही रोक देता अभी तू वन मसल ग्रुप ट्रेन करना रोज आई विल ट्राई इट सी द चेंज फॉर श्योर अगर रिजल्ट दिखता है तो कंटिन्यू नहीं दिखता है तो गेट बैक टू योर बेसिक्स लॉजिकली दिखेगा ना क्यों नहीं दिखेगा ना अगर 6 दिन एक मसल को रिकवर करने के लिए मिल रहा है क्यों नहीं दिखेगा रिजल्ट टॉम ब्लेट्स ने एक बात बोली थी लोग वर्कआउट को इतना कॉम्प्लिकेट कर समझते हैं ना और रेस्ट डे को बहुत लाइटली लेते हैं रिकवरी इज एज इम्पोर्टेंट एज वर्किंग आउट तो आप रिकवर नहीं करोगे बॉडी को राइट तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी ब्रो ब्रो सीन क्या है पता है क्या इतने सारे मतलब हमारा ब्रेन इतना ब्रेन वॉश हुआ है कि सब कुछ ट्वाइस अ वीक ही करना है ट्वाइस अ वीक ही करना है इनको लगता है कि मतलब जो भी न्यूबी ज्वाइन करता है आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ज़्यादा बार मसल ट्रेन करोगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगा ऐसा कुछ नहीं है भाई तुम जितना रिकवर भी जितना वर्कआउट भी कर रहे हो उतना रिकवरी पर भी ध्यान दो और डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल पे वही करती है सो मैं जब भी ऐसे लोगों के साथ ट्रेन करता हूँ ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स उनके कैटेगरी के लिए बहुत सिमिलर होते हैं बट एवरेज जो भी हम इंटरनेट से सुनते हैं उससे बहुत अलग होता है इवन जब मैं देवन के साथ ट्रेन कर रहा था वो भी एक दिन पे तोड़ता है मसल 6 दिन रिकवरी के लिए ये सारे कॉमन पॉइंट्स मुझे धीरे धीरे दिख रहे हैं और ऐसा भी लगता है कि जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है दे हैव बीन लाइंग टू अस ऑल दिस टाइम ऐसा भी लगता है पता नहीं यार अब इट ऑल कम्स डाउन सबकी बॉडी अलग होती है सबके ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स अलग होते हैं सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है दूसरे अलग अलग वर्कआउट स्प्लिट को तो डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू राइट लेकिन इतना भी ब्रेन वॉश मत हो जाओ कि बाकी जो लोग बोल रहे हैं तो वही करना है यही सही है आपकी बॉडी को देखो क्या सूट कर रहा है और आपकी बॉडी किस चीज़ से ग्रो हो रही है राइट सिंपल बट इट इज़ लॉजिकल जब मतलब पुश पुल लेग्स जब मैंने फॉलो किया वो मेरे लिए काम क्यों किया क्योंकि मैं एक स्मॉलर लिफ्टर था ना एग्जैक्टली मेरा मसल बहुत छोटा था तब मसल छोटा था एंड यू आर इन योर ग्रोइंग स्टेज तू कुछ भी करेगा ना तेरा मसल ग्रो होने वाला है
सिंपल राइट तो वो लोग समझते कि नहीं नहीं भाई पीपीएल बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन आप अगर न्यूबी हो बिगिनर हो आपका तुम कुछ भी करो मसल ग्रो होने ही वाला है करेक्ट सो वही है 3 सालों के लिए पीपीएल किया फिर लगा रिकवरी नहीं मिल रही है आर्म्स लैक हो रहा है फिर मैं 4 डे स्प्लिट पे आ गया एक आर्म डे ऐड किया अब मैं वापस थोड़ा रेस्ट देने के बारे में सोच रहा हूँ सो ट्राइड आउट Let's spread. Ho. Oh. 2, come on. 3, 4, 5, 6, 15 here. 7, 8, 9, come on. 10, 5 more. 1, 2, 3, 2 more. 1 more. Enough. Oh, hey, new I machine has a D. Hammer strength, bro. Class machine. Class. Lovely. Let's go. Easy, yaar. Fuck. 3, come on. 4. 5. 10 reps. Chal raha hai. 2 more. Push, bro. Enough. चार्जेस लगते हैं ब्रो लेंगे ना ब्रो टेंशन क्यों ले रहा बीस्ट ब्रो लेट्स गो नाइस कम ऑन पुश 1, 2, 3, 4, 5 6, yeah. Easy. 7, pull. 8, come on. Here. Push. Enough. Potential hit. Last set, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lovely time. 2 more. 9 azun exile. Last set hai. Push. Avdut. First time ye machine hai na. Last set. Best set. Let's go home. Whoa. Hacks. You definitely look huge, bro. Better than More last than Delhi, time. No? Better than last time. 4 kgs up. Jitne speed se gain kiya na, bro. Commendable. 1 month, bro. Serious ho na, bro. Time kyun waste karna hai? Every day. Same short duration wala apan. Haan. Bap. Class. आता है कर क्लास माय गॉड बाप इनक्रेडिबल ये देख के होप मिलता है कि नेचुरली ये पॉसिबल है ह्यूमन पोटेंशियल Class. Wow. Crazy. Whoa. Whoa. Shit.
क्या खाना है, नॉर्थ इंडियन या बर्गर, फास्ट फूड, पैनकेक? एट द मोमेंट मुझे कुछ भी चलेगा, मुझे बस खाना खाना है। सबकी कंडीशन वही है, एक जगह है उसका एम्बियंस इतना कुछ खास नहीं है, पर खाना, और खाने से मतलब है, टेस्ट से मतलब नहीं होता, रिजल्ट से मतलब होता है, पंप से मतलब होता है, वैसे एम्बियंस से मतलब नहीं है। ये बेस्ट बटर चिकन है पुणे में इन माय ओपिनियन। सबको चिड़चिड़ बहुत हो रही है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे। कंट्रोवर्सी, साहिल तू एमएमए करता है? सीखता हूँ बट। तीन टेस्ट वर्कआउट्स कंबाइन करके आज का एक वर्कआउट हो गया, बहुत दुख रहा है, फटीग महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा भी टच किया तो पेन आएगा। मुझे लग रहा है कि कल कैसे होगा। अभी ये इसने जो वर्कआउट किया है ना, तो उसके हैबिट लगेगी कि अभी डायरेक्ट नेक्स्ट वीक चेस्ट मारना है और फिर से 100% देना है। ब्रो नेक्स्ट वीक ही मारना पड़ेगा, ये रिकवर नहीं होने वाला दो तीन दिनों में, पर अच्छा एक्सपीरियंस था, है ना? बहुत अच्छा था, कुछ अलग। ये तंदूरी चिकन, क्रीमी तंदूरी चिकन, बहुत अच्छा, अच्छा है ना, बहुत अच्छा। और फिर मटर पनीर, पनीर गेम्स, और यहाँ पर हमारा बटर चिकन, नान, प्याज। साहिल थॉट्स? अभी टेस्ट किया, बैंगर, मस्त है ना टेस्ट टेस्ट? वाओ ब्रो, व्हाट इट टेस्ट रिव्यू, गुड, व्हाट इट, यही चाहिए था ब्रो, सब कुछ चेस्ट में जा रहा है। Let's go. मील हो गया है कंप्लीट, थोड़ा सा बटर चिकन बचा था, क्या हुआ, क्या है वो? नहीं नहीं नहीं, डन डन, सैटिस्फाइड ब्रो, होम स्वीट होम। साहिल सो जा, क्रैश आ रहा है, कार्ब क्रैश, फूड कोमा, कितना आ रहा है? 66.65। लकीली घर पे चार स्विमिंग ट्रंक्स है, सबको मिल गई है, डन। अभी हम जा रहे हैं इस समर के पहले स्विम के लिए, नहीं करते वेलकम, और हम एकदम राइट टाइम पे आया, अब धीरे धीरे सन नीचे जाएगा, हीट कम होगी, पर एक चीज है, आज वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल है, मिहिर को सब बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। एवरेज मुंबई का, अरे इतना बड़ा ओपन स्पेस। आज क्राउड वैसे थोड़ा ज्यादा है, पर वाइब्स अच्छे हैं। क्या हुआ उसको? शॉर्ट्स चाहिए, हां शॉर्ट्स चाहिए, ठीक है मिहिर, कुछ भी बन रहे थे, अच्छा लगेगा भाई, ट्रस्ट मी, वो अच्छा, नाउ लेट्स चेंज करते हैं। साहिल कैसा लग रहा है? I feel small. कैसा लग रहा है? I feel small. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो यहाँ अंदर एक केव है, बहुत मजा आता है। मिहिर एस्थेटिक, पूल एस्थेटिक। Big happiness, big happiness with the boys. Okay, ready? Mihir, let's spread. Oh! 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 Thank you. भाई मैं तो बहुत थर थर रहा हूँ। सुंदर है, यहाँ से सनसेट भी हो रहा है, कैसा लगा अवधूत? साहिल ब्रो अंदर का बटर चिकन सब निकल गया। क्या बर्न हो गया सब? तेरा क्रैम ठीक है क्या ब्रो? आ रहा है थोड़ा। Exactly, जो लैट्स बाहर निकल रहे हैं ना, क्लास नाइस। ये 24/7 होता है क्या ये? हाँ बहुत बढ़िया दिन था ओवरऑल। स्विमिंग हो गया, अब क्या फूड मील लेना? पहले जूस पियेंगे कुछ, वाटरमेलन जूस, रिफ्रेशिंग, उसके बाद घर पे। 25 बजता है यूजुअली स्विमिंग के बाद, दो स्कूप पे। आज सुबह से कुछ प्रोटीन नहीं कंज्यूम किया है। स्विमिंग पूल में भी मसल ग्राम्स कर रहे थे, प्रोटीन की जरूरत थी, प्रोटीन की। सो मिहिर, अवधूत और साहिल मेरे कमरे में चिल कर रहे हैं, मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी डेली रील्स की एडिटिंग खत्म कर रहा था। अभी हम जा रहे हैं फ्रूट जूस पीने, मिहिर को पीना है वाटरमेलन जूस। फैन बॉय मोमेंट। बिग बॉय, एकदम फ्रेश वाटरमेलन जूस। और मुझे आज पता चला कि वाटरमेलन में नेचुरल सिट्रलिन होता है। गाइस राउंड टू, चीयर्स, एक और बार चीयर्स, चीयर्स। ओ अवधूत, अवधूत, अवधूत। जब घर पे एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर आता है तो उनके फूड की जो स्केल होती है, क्वांटिटी होती है, वो बहुत ही बड़ी होती है। तो मिहिर सोने के पहले 6 केले खाता है, आज हम भी ट्राई करेंगे, अगर ऐसा दिखना है तो करना पड़ेगा। रेडी, लेट्स स्प्रेड, लेट्स स्प्रेड। जो भी सीसीटीवी कैमरास देख रहा है उसको भी बॉडी डिसमॉर्फिया, वो अभी पुशअप मारेगा देख के। आरसीबी की मैच होगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया हिंदी कमेंट। अरे मराठी पण है, भोजपुरी लाइक में रेडा सीखते, बेचारा अकेला क्या क्या करेगा। किंग कोहली, अरे स्पिनर फर्स्ट ओवर 182 जीतेगी। अरे क्लोज मैच होगी ब्रो, फर्स्ट बॉल। तो डिनर पार्ट 1 के लिए ये अवधूत का वेज फ्राइड राइस,
और थोड़ा सा पनीर ग्रेवी, और यहाँ पर मिहिर और मेरे लिए चिकन फ्राइड राइस। सिर्फ ये इशू है कि मिहिर पिछले 40 मिनट से नहा रहा है, बड़ी बॉडी का टाइम लगता है। और मुझे ऑनेस्टली सैंडविच खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बनाए 2 एग सैंडविचेस, नहा धो के मस्त फ्रेश होके चिकन फ्राइड राइस में। अभी अभी क्या हुआ? खड़े खड़े 5 के दे रहे थे। अरे हम बात कर रहे हैं कल कब ट्रेन करना है। ब्रो ये रोज का है मेरा, मैं यूजुअली 6 के लिए खाता हूं। खत्म है कितनी है? 5 times 25 यही साइकिल है गाइस। 125 ना, मतलब विचारत है सर साइकिल चालू है। हां 5 ये साइकिल है, 5 की बनाना साइकिल। चलो अवधूत गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट ब्रो। गुड नाइट। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं ब्रो। थर्सडे वेडनेसडे।